Hello, welcome to Arbind Singh Academy. We are going to discuss today Redox. This is the topic of class 11th and I hope you will enjoy this. This topic is very important because it is mathematical, and competition is a very important topic. So, let's start with reduction. And see what we reduction to learn in reduction. So, reduction is a process here. And in this, the name itself speak about redox is nothing else but red plus ox. What is red? In this, they said about that red is a short form of reduction. And ox is short form of oxidation. Iska matlab hai ki reduction or oxidation naam include hai ki dono hi simultaneous process hai. A redox reaction is the reaction in which reduction and oxidation, these are the two process and which is going together. So, reduction is a kind of reaction. Iska matlab hi hua, hum ye keh sakte hain ki redox is that reaction in which oxidation and reduction takes place together. It means where is the oxidation, there must be a reduction. That is reduction and oxidation are simultaneous process. Agar sirf reduction ho, sirf oxidation ho, ye possible nahi hai. Ek ka reduction hoga to dusre ka oxidation hoga. Means wherever there is a reduction, there must be oxidation. Or wherever there is an oxidation, there must be a reduction. So, this is the name of redox. Now, this question is that this reduction, we are saying that reduction will happen, oxidation will happen, reduction will happen. But what will reduction happen? What will reduction happen? And what will happen oxygen? This is the most important thing. That reduction and oxidation will happen, that's the thing. But what will happen? This is which process? जो केमिकल रिएक्शन में होता है, केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्यों होता है, पहली सवाल, और होता क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्यों है, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये क्यों, कैसे होता है। तो सबसे पहले सीखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है, right? What is this oxidation? What is the oxidation process? So, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होने में क्या होता है बेसिकली कि बहुत सारे चेंजेज होते हैं, केमिकल चेंजेज होते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेज होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर, तो केमिकल चेंजेज होते हैं दो सब्सटेंस के बीच में जब रिएक्शन होता है तो आपको पता चलता है कि एक नया कंपाउंड बनेगा, ये भी आपको पता है, और उस कंपाउंड बनेगा कैसे, तो उसके केमिकल रिएक्शंस की वजह से। अब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एक के एटम्स और मॉलिक्यूल्स के, किसी मॉलिक्यूल्स के एटम्स या कोई डायरेक्ट एटम किसी दूसरे मॉलिक्यूल के एटम या मॉलिक्यूल से जा करके कंबाइन होता है। अब कंबाइन होने में क्या करेगा, ऐसे कॉम्बिनेशन तो होगा नहीं कि भाई गए और जा करके पकड़ लिए उसको, इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है या एटम्स का एक्सचेंज होता है। अब एटम का एक्सचेंज होगा, जैसे कि एक सब्सटेंस से एटम निकल करके, एक मॉलिक्यूल से एटम निकल करके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ चला जाए और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जाकर के कंबाइन हो जाए। अब सवाल है कि कौन किसके साथ कंबाइन होगा और क्यों कंबाइन होगा भाई? अगर पहले से किसी मॉलिक्यूल के साथ वो है तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जाके कंबाइन क्यों होगा, है ना? तो ये समझने के लिए हम समझते हैं जैसे किसी को नौकरी मिलती है और नौकरी मिलने के बाद उससे अच्छी नौकरी मिल जाती है तो क्या होता है, वो पहली नौकरी को छोड़ करके दूसरी नौकरी पे चला जाता है। इवन एक गाड़ी आपके पास है और अगर दूसरी गाड़ी आपको और अच्छी नहीं मिल जाती है तो आप उस गाड़ी को
छोड़ के दूसरी नई गाड़ी पे चढ़ना पसंद करते हैं। वैसे ही हर एक एलिमेंट्स के साथ जो एटम्स, जो एक कंपाउंड के साथ जो एटम्स होते हैं, वो एटम्स अपने के साथ तो खुश है तब तक जब तक उनसे बेहतर कोई नहीं मिल जाता। अब बेहतर क्या क्या सेंस है यहाँ पे, उनसे बढ़िया कोई नहीं मिल जाता। बढ़िया का क्या सेंस है, जैसे कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव है एलिमेंट, दो तरह के कई कंपाउंड में एलिमेंट होते हैं, एक कटायंस और एक एनायंस, राइट, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोनिगेटिव, दोनों मिल करके एक कंपाउंड बनाते हैं। अब इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स से ज्यादा बेहतर इलेक्ट्रोनिगेटिव कोई और मिल जाए तो दूसरा एटम, दूसरे कंपाउंड का इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव उसकी ओर अट्रैक्ट होगा, है ना। तो दो कंपाउंड है, दोनों में एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है एक इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अगर दूसरे में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या है मैं बार बार कह रहा हूं पहले समझ लीजिए, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है किसी भी एटम को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, एक एटम की अपनी एबिलिटी जो एबिलिटी से वो दूसरे एटम को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, ठीक है। तो अट्रैक्ट करने के लिए क्या होगा कि उसको ज्यादा बेहतर अट्रैक्शन होगी तो दूसरा एलिमेंट जो एटम होगा वो पहले कंपाउंड को छोड़ के दूसरे कंपाउंड के पास चला जाएगा। आइए समझते हैं कैसे होगा और कुछ रिएक्शंस के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये तो बात हो गई कंपाउंड की। कई बार ऐसा होता है कि दो एटम्स हैं, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है एक इलेक्ट्रो निगेटिव है, और ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेते हैं, और कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन होता है। बेसिकली इसका नाम ऑक्सीडेशन इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता था। ऑक्सीडेशन में भी दो वर्ड है, एक है ऑक्सीजन, ऑक्स, ऑक्स मींस ऑक्सी, ऑक्सीजी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ये एडिशन का है, एडिशन, एडिशन का है ऑक्सीजन, एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो प्राइमरली ये समझा गया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी मॉलिक्यूल और एटम और एनी रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टेक्स प्लेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन, called oxidation, called oxidation, oxidation, ठीक है। ये oxygen, यहां oxy oxygen के लिए है, spelling तो हालांकि होता है O X Y, ठीक है ना, लेकिन ये oxy इसी oxygen के लिए, right ना। तो oxygen addition जो होता है उसके लिए हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ये बना हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन जब हो तो उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब एग्जांपल लिया जाए कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए कि Mg प्लस O2, अब ये एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है और ये जो है वो है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ये है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्यों है, वैसे अभी तो ये न्यूट्रल है, कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है इसका, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का है, अभी ये कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का है, इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का है, राइट, नेचर है इसका। क्यों नेचर है, इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन लेने की, इलेक्ट्रॉन लेने की इसकी जरूरत होती है और इसको इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत होती है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसलिए दोनों के नेचर, एक का पॉजिटिव नेचर है देने की नेचर है, एक दानवीर है और एक लेने वाला है भिखारी टाइप, ठीक है। तो इसलिए ये देने वाले को हम पॉजिटिव कहते हैं, जिसका देने का नेचर होता है उसको पॉजिटिव कहते हैं, जिसका लेने का होता है उसको निगेटिव कहते हैं। तो इस तरह से ये मिल करके एक कंपाउंड बनाएंगे और वो कंपाउंड क्या होगा, वो कंपाउंड होगा MgO, राइट, MgO। अब यहाँ पे बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो गया, ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड,
मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो बना एक कंपाउंड, ये केमिकल रिएक्शन के जरिए बना। चूंकि ये केमिकल रिएक्शन के जरिए बना, तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। चूंकि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ इसलिए ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सी का एडिशन ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया इसलिए ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये तो एक बात हो गई कि इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी शुरुआत के लिए इतना समझते हैं कि इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहे और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। ठीक है, तब थोड़ा सा और दिमाग में आया लोगों के बात कि अच्छा ये ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, इलेक्ट्रोनिगेटिव का अगर एडिशन हो रहा है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव का रिमूवल हो, उल्टी बात बिल्कुल वैसे ही हो गई, तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहें, क्यों ना कहें कि अगर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ इसके बजाय अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए तो उसको भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहना चाहिए, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, है ना। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं, उसके जरिए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ऑलमोस्ट 20-21% एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, आपको पता है, इसलिए ऑक्सीजन किसी भी कंपाउंड के साथ आसानी से, चूंकि बहुत ज्यादा अवेलेबल है, 21% कोई कम चीज नहीं होती, तो ये कहीं भी आसानी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है। और जैसे मीथेन का कंबसन होता है, मीथेन है CH4 और इसका एक कंबसन हुआ ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा, ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वाटर बनाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वाटर बनाएगा, यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। अब सवाल ये है कि हम ऑक्सीजन की एडिशन की वजह से कहें या हाइड्रोजन के रिमूवल की वजह से कहें, दोनों बातें हो रही है। ऑक्सीजन कार्बन के साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन साथ में ये भी तो हो रहा है कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन का या तो रिमूवल हो या ऑक्सीजन का एडिशन हो तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हेयर ऑक्सीजन इज एडेड विद द कार्बन, हेयर ऑक्सीजन इज एडेड विद द कार्बन, एडेड विद कार्बन एंड साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम द कार्बन, रिमूव फ्रॉम कार्बन। सो वी कैन से ईदर ऑक्सीडेशन ऑफ दिस डेफिनेशन नाउ एक्सटेंडेड टू कि ऑक्सीडेशन इज ए रिएक्शन, ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन in which either oxygen, in which either oxygen is added, oxygen combined or hydrogen removed, hydrogen removed from any compound, right? Atoms में और molecules में भी, right ना? तो इस तरीके से यहां पे हम कह सकते हैं कि oxidation वो chemical reaction है जिसमें या तो oxygen का addition हो जाए या oxygen का addition अगर ना हो तो hydrogen का removal हो जाए। तो ये दो बातें हो कि या तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए या ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए, दोनों में से कोई भी अगर बात होगी तो हम उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है या दोनों एक साथ हो सकते हैं, यहाँ पे दोनों चीजें एक साथ हो रही है, हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है और ऑक्सीजन का एडिशन भी हो रहा है, तो दोनों चीजें हो रही है इसलिए इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। थोड़ा और ज्यादा जब केमिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया तो उनको लगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट्स अदर भी हैं जो इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब चीजें जो है ये सब भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हैं, तो इनमें
बी इनके एडिशन से भी ऑक्सीडेशन होना चाहिए। अब नाम तो एक बार रख दिया गया था, करेक्टरिस्टिक बढ़ती गई, इसलिए नाम में कोई चेंज नहीं हुआ, नाम ऑक्सीडेशन ही रहा, लेकिन इसका जो दायरा है, जो इसके एरिया है, वो थोड़े ब्रॉडन होते गए और फिर डेफिनेशन में थोड़ी सुधार की गई और ज्यादा। तो इस एरिया को थोड़ा सा और ब्रॉडन किया गया, Mg प्लस Cl2, इससे क्या बनेगा, MgCl2 ये बन गया, Mg प्लस F2 ये बन गया MgF2, Mg प्लस S ये क्या बन गया MgS। ये सब अलग अलग कंपाउंड बन गए और इन अलग अलग कंपाउंड्स में ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड क्लोराइड, ये बन गया मैग्नीशियम फ्लोराइड राइट, और ये बन गया मैग्नीशियम सल्फाइड। तो इस तरह से ये सब जो हैं, ये भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हैं और इस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन की वजह से हम इनको कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हुआ, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स आर कंबाइंड हियर राइट ना। ये इलेक्ट्रोनिगेटिव्स हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये सल्फाइड, इस तरह से। तो इन सब के एडिशन की वजह से यहाँ पे रिएक्शन हुआ। तो ये तो हो गया, अगर ठीक है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हुए। कई बार जैसे कि हमने ऊपर डेफिनेशन दिया था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अकेले भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये ऑक्सीजन के साथ ही ऐसा होगा और ऑक्सीजन के बिना नहीं होगा, ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अकेले भी हो सकता है। इधर हमने कहा डेफिनेशन में कि या तो दोनों हो, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, या दोनों हो या कोई एक हो। तो कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है और इसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए, तो ये क्या होगा, इसमें से सल्फर अलग हो जाता है और H2O बन जाता है, H2O। तो इसमें बैलेंस करें तो H2 और O2, O दो है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो ऑक्सीजन तो हो गए, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए, तो इसलिए यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट टुगेदर, और इसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड में से क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो सल्फर जो है ये अलग हो रहा है, ये सल्फर जो है वो अलग हो गया, इसमें से हाइड्रोजन इसका साथ छोड़ के चला गया। तो ये क्या हुआ, जिसमें से रिमूवल होगा वो सब्सटेंस, जिसमें ऑक्सीडेशन होगा वो सब्सटेंस कहलाएगा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, ठीक है। उसमें क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, जिसका साथ छोड़ के चला गया उसका क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। तो यहां सल्फर इज ऑक्सीडाइज, क्या कहेंगे, सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड एज हाइड्रोजन removed from it, जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया वो ऑक्सीडाइज हुआ। इसी तरह से अगर पिछले एग्जाम्पल में जाएं तो हम कहेंगे कि इसमें मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का प्लस हुआ तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड, जिसमें एडिशन हुआ, जिसमें रिमूवल हुआ,
ऑक्सीजन का एडिशन हुआ या हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कहलाता है। ठीक है, सो ये ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हुआ और रिएक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अब सवाल ये है कि अभी हम शुरुआत में बोले थे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है वो साइमल्टेनियस प्रोसेस है, और अभी तक हम बात सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन की कर रहे हैं, रिडक्शन की बात कर ही नहीं रहे हैं। करेंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि रिडक्शन अभी हमने समझा नहीं। दोनों चीजें हो रही है अभी आपको पता चलेगा, लेकिन एक ऑक्सीडेशन की हमने बात करी है, तो ऑक्सीडेशन को पहले समझ लेते हैं, फिर रिडक्शन को समझेंगे, फिर बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ कैसे हो रहा है। ठीक है, अब सवाल ये उठा कि क्या हाइड्रोजन के ही रिमूवल को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, या और भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हों उनके रिमूवल को भी कहेंगे। बाद में पता चला कि नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन ही रिमूवल नहीं, कोई भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स अगर रिमूव होगा किसी भी सब्सटेंस से तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, और इस प्रोसेस को, इस केमिकल रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बात करें, पोटेशियम फेरोसाइनाइड में अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करें तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड बनता है। इसका मतलब है कि इसमें भी जो है पोटेशियम का रिमूवल होता है, और पोटेशियम क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। आइए देखते हैं कैसे। K4 FeCN6 प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 से बनता है K3 FeCN6 प्लस KOH, राइट। इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया, ये इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया, और इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2KOH हो गया। ऑक्सीजन जो है यहाँ से 2 हो गया, हाइड्रोजन जो है वो भी 2 हो गया। तो ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, राइट, पेरोक्साइड, और ये है पोटेशियम फेरिसाइनाइड, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम फेरिसाइनाइड, लिखते जाएं आप, साइनाइड, फेरिसाइनाइड, और ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पोटेशियम जो यहाँ पे 4 थे, अब पोटेशियम कितने रह गए, 3 रह गए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पोटेशियम 4 था, यहाँ पे 4 पोटेशियम था, यहाँ पे 3 रह गया, तो इसमें रिमूवल ऑफ क्या हुआ, पोटेशियम, और पोटेशियम क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स है। सो हियर 1 पोटेशियम इज रिमूव्ड, एंड व्हाट इज पोटेशियम, पोटेशियम इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो डेफिनेशन ये हो गया रिमूव्ड, व्हिच इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, राइट। तो इस तरह से हम ये कहेंगे, डेफिनेशन अब बन गया कि ऑक्सीडेशन इज ए रिएक्शन दैट केमिकल प्रोसेस इन विच ईदर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स
or removal of electropositive elements, positive elements takes place. Okay? Chemical process in which either removal of what electronegative elements or addition of electronegative elements or removal of electropositive elements takes place. Isko hum kahenge kya? To oxidation. Isko hum kahenge oxidation. So this is the oxidation process. I hope aapko samajh mein aa gaya hoga ki oxidation kya hai. To oxidation a chemical process hai inke andar ya to addition hoga kiska electronegative elements. Us electronegative elements mein kaun kaun se hain? कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हो सकता है, इट मे बी ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फाइड, हाइड्राइड, कुछ भी हो सकता है. और अगर रिमूवल है, रिमूवल ऑफ कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इट मे बी हाइड्रोजन, इट मे बी सोडियम, इट मे बी पोटेशियम, तो कोई भी हो सकता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो इनका रिमूवल होगा. जिस सब्सटेंस में से ये रिमूवल होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को या एडिशन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, उसको हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. जैसे मीथेन का कंबसन करते हैं तो मीथेन ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है, उनमें से हाइड्रोजन रिमूव होके गया, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, ऑक्सीडाइज हुआ. और रिएक्शन में क्या हुआ, प्रोसेस में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ. अब आइए समझते हैं कि रिडक्शन क्या है. जैसा कि मैंने कहा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है. आप पहले इसके एक दो एग्जांपल देके इस स्लाइड को आगे बढ़ाएं. जैसे ये सल्फर में ऑक्सीजन जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड. यह एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, है ना. सोडियम में आपको क्लोरीन जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, CnaCl2, ठीक है. तो इस तरीके का ये सब जो है एग्जांपल है. यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना. यहाँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट एलिमेंट, ठीक है. यहाँ पे अगर CH4 में हम जोड़ देते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये बन जाता है क्या, तो कार्बन अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन जाता है, H2O. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है. और यहाँ पे जैसे कि आखिरी में हमने किया था कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड का एग्जाम्पल लिया था, क्या था हमारा इक्वेशन, ये था कि K4FeCN6, राइट, FeCN6 प्लस H2O2, एक बार फिर से हमने कर लिया, प्लस H2O2, सो क्या मिल गया था, K3FeCN6 प्लस KOH, ये मिला था, है ना. तो इस तरीके से इसमें क्या था, इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है. नया नया एग्जाम्पल इसलिए नहीं ले रहे हैं ताकि आपको इसे में एग्जाम्पल याद हो जाए. तो कुछ भी होगा कि या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दैट केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है. अब बात करते हैं रिडक्शन की, कि व्हाट इज रिडक्शन. अब इसके विपरीत ये कहेंगे कि रिडक्शन क्या होना चाहिए, तो रिडक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है. सो इसमें अभी शुरुआत में ही इसमें भी दिमाग में लगाया गया कि रिडक्शन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें उल्टा हो रहा हो, यानी हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो या ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो. लेकिन बाद में इसमें भी थोड़ी सी एक्सपेंशन हुई, कहा कि नॉट ओनली कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो बट एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स इज कॉल्ड रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है. तो इसको भी अब हम पूरे समझ गए हैं सारी फेनोमेना,
तो हम कह सकते हैं कि रिडक्शन इज ए प्रोसेस, रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये है कि इसको हम रिडक्शन कहेंगे, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इन शॉर्ट आप याद रख सकते हैं कि ऐसा होगा, उससे से पता चल जाएगा किसकी कोई और भी प्रजाति होगी, यानी ऑक्सीजन की प्रजाति कौन, ऑक्सीजन के जैसा जो इलेक्ट्रोनिगेटिव है उनका कोई रिमूवल हो, और हाइड्रोजन या उसकी प्रजाति जैसे कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उनका क्या हो, एडिशन हो, तो ऐसे को हम कहेंगे रिडक्शन। तो एक जगह जब ऑक्सीडेशन होगा तो वहां रिडक्शन भी होगा। सो फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अगर हीट किया जाए तो क्या बनता है, HgO को अगर हीट किया जाए तो इसमें से Hg अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करने पे, ये है मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करने पर ये हो रहा है कि मर्क्यूरी अलग हो जा रहा है, मर्करी अलग हो जा रहा है और ऑक्साइड अलग हो रहा है और ऑक्सीजन अलग हो रहा है, ये गैस के रूप में रिलीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। सो हेयर द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, हेयर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। तो जिस सब्सटेंस में से, हम पहले भी बता रहे थे, जिस सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ उसको हम कहेंगे कि ये रिड्यूस हुआ, रिडक्शन टेक्स प्लेस, ये हुआ रिड्यूस्ड। जैसे वहां ऑक्सीडाइज होता था वैसे ही यहां पे क्या हुआ, रिड्यूस्ड हो गया, ये सब्सटेंस बोलेंगे कि रिड्यूस हो गया, दिस सब्सटेंस इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड, राइट। और इसमें से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो यहां पे रिडक्शन हुआ। अब रिडक्शन टेक्स प्लेस, दिस इज एग्जांपल इन विच रिडक्शन टेक्स प्लेस, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ। ठीक है, अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं। ये देखिए फेरिक क्लोराइड FeCl3 में अगर हम रिएक्शन करें H2 से, ये एक्वस मीडियम में सॉल्यूशन रिएक्शन होता है, अगर एक्वस सॉल्यूशन हो और हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करें तो ये मिलता है FeCl2 प्लस HCl, HCl रिलीज होता है, ये अलग से, ये एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बन रहा है फेरिक क्लोराइड से फेरस क्लोराइड बन रहा है, फेरिक क्लोराइड से फेरस क्लोराइड बन रहा है। यहाँ पे क्या है, ये है फेरिक क्लोराइड, इसमें क्लोराइड के 3 एटम्स हैं और यहाँ पे बन रहा है फेरस क्लोराइड, यानी यहाँ पे कितने एटम रह गए, 2, तो ये क्लोरीन एटम का रिमूवल हो रहा है, क्लोरीन एटम का रिमूवल हो रहा है। सो हेयर रिमूवल ऑफ क्लोरीन दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है ना। सो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट यहां से रिमूव हो रहा है, यहां से FeCl3 से FeCl2 बन गया, यानी फेरस क्लोराइड हुआ, तो ये जो हुआ ये रिड्यूस हो गया, यहाँ पे रिडक्शन इसके साथ हो गया। ठीक है, तो इसके साथ रिडक्शन हो गया और ये पूरा का पूरा ये रिड्यूस्ड हो गया।
अब ये सवाल ये है कि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट यहाँ पे रिड्यूस हुआ, यहां से निकला और इसके साथ जुड़ भी तो गया, तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ हो रहा है एडिशन। सो यहां से निकल के ये यहाँ पर एड हो गया, तो इसके साथ हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ एडिशन, तो यहाँ पे एडिशन हुआ, एडिशन ऑफ, दिस इज एडिशन ऑफ व्हाट, क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ क्लोरीन हुआ मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हुआ, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन, यानी ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ऑक्सीडाइज्ड, और ये जो हुआ वो रिड्यूस्ड हुआ। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक रिड्यूस हुआ, एक जगह रिडक्शन हुआ एक सब्सटेंस का, तो दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हुआ, यानी एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, ठीक है। एक का ऑक्सीडेशन हुआ तो दूसरे का रिडक्शन हुआ। अभी हम रिडक्शन को समझ रहे हैं कि क्या होना चाहिए, या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए या रिमूवल ऑफ कोई और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, तो हम उस केमिकल रिएक्शन को क्या कहेंगे, उस केमिकल रिएक्शन को हम कहेंगे रिडक्शन, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हो, अभी हमने एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हो, है ना, तभी रिडक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये होना चाहिए। आइए कुछ और, जो मिथिलीन गैस होती है या मिथिन जिसको कहते हैं CH2, ये डबल बॉन्ड, अगर इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएं तो ये क्या होता है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और ये हो जाता है CH3, राइट, ये आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये जो है CH2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे क्या हुआ कि हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, इन दिस रिएक्शन देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे इस सब्सटेंस में एडिशन, इस कंपाउंड में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ इसलिए ये रिड्यूस्ड हो गया, रिड्यूस्ड, ठीक है, ये रिड्यूस्ड हो गया, इसमें हाइड्रोजन ऑफ का एडिशन हो गया, तो इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे रिडक्शन, ये रिड्यूस्ड हो गया इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। इसी तरह से मर्क्यूरिक क्लोराइड एग्जांपल लेते हैं, ये मर्क्यूरिक क्लोराइड प्लस SnCl2 में रिएक्शन हो तो ये बन जाता है Hd2Cl2 और आगे SnCl4, SnCl4 ये स्टेनलेस क्लोराइड और ये मर्क्यूरिस क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिस क्लोराइड से मर्क्यूरिक क्लोराइड बन रहा है। इस तरह से ये रिएक्शंस बनते हैं, ये क्या है, ये सॉलिड सब्सटेंस बनता है, ये सारे इक्वस होते हैं, इक्वस सॉल्यूशन होता है, तो ये सॉलिड सब्सटेंस के रूप में निकल के आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसमें क्या हुआ, इसमें एक मर्क्यूरी था, इसमें मर्क्यूरी की संख्या कितनी थी, एक थी, और ये मर्क्यूरी बढ़ करके यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, मर्क्यूरी यहाँ एक था और यहाँ मर्क्यूरी कितने हो गए, दो हो गए, तो यहाँ दो हो गए यहाँ एक था, यानी यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हुआ एडिशन ऑफ Hg क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इस तरह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हुआ तो ये क्या हुआ, ये सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें SnCl2 था और Cl4 हो गया, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ क्लोरीन हो रही है, यहाँ पे एडिशन ऑफ क्लोरीन, और क्लोरीन क्या है जी, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, और जहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो तो हम उसमें क्या कहते हैं कि ये होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, तो ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया। इसका मतलब है कि ये अगर रिड्यूस हुआ, इसका रिडक्शन हुआ तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है, या अब इसको हम बैलेंस कर देते हैं,
यहाँ पे एच जी टू है तो यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करना चाहिए तो टू एच जी हो जाएगा, और सी एल यहाँ पे फोर हो जाएगा, सी एल यहाँ पे फोर हो जाएगा, और यहाँ पे सी एल कितना है, फोर और टू सिक्स, इधर भी फोर और टू सिक्स, तो ये बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से ये हमने बैलेंस भी कर दिया। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ इस रिएक्शन में, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और इसमें एडिशन ऑफ क्लोरीन हुआ तो इसलिए इसका हुआ ऑक्सीडेशन। एक में इलेक्ट्रोनेगेटिव एडिशन ऑफ एच जी दैट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, एंड साइमल्टेनियसली देयर इज एन एडिशन ऑफ क्लोरीन क्लोरीन दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट राइट। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स दोनों ही एडिशन हो रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये समझ में आपको आ गया, यानी जो इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी रखता है उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी रखता है उसको इलेक्ट्रो निगेटिव कहते हैं। और आपने देख लिया कि जब भी हम एक सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन होती है तो एक सब्सटेंस में से इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट निकलता है तो दूसरे सब्सटेंस में वो जा करके जमा होता है। तो जहां से निकलता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट उसका रिडक्शन होता है, जहां उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जहां पे जमा होता है वहां पे रिडक्शन होता है। तो एक जगह से निकलेगा तो दूसरी जगह जमा होगा ही होगा, ठीक है ना, जमा होगा या तो अकेले रहेगा तब भी वहां पे एक नया एलिमेंट क्रिएट होगा। तो इस तरीके से एडिशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर सिमल्टेनियस प्रोसेस, बोथ आर गोइंग टूगेदर। और चूंकि एक केमिकल रिएक्शन में ये दोनों ही चीजें होती है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, इसलिए इसको हम कहते हैं रिडॉक्स। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, क्योंकि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ आर हैपनिंग टुगेदर। तो इस पूरी केमिकल प्रोसेस में दोनों चीजें हो रही है, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, इसलिए इसको रिडॉक्स कहते हैं। तो आपको मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि रिडॉक्स क्या है, है ना, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है और तब हम इसको इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से फिर से डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ठीक है। तो अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है, और तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, घर पे जाकर पढ़िए, और फिर अगली क्लास में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।